सिंगरौली में सफाई कर्मी राजू को जिले का पहला कोरोना वायरस का टीका लगाया गया है। इस दौरान क्षेत्रीय सांसद रीति पाठक, देवसर विधायक सुभाष वर्मा, कलेक्टर राजीव रंजन मीणा और पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में होने वाले कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत बदलाव के साथ की गई। टीकाकरण कार्यक्रम क्षेत्रीय सांसद रीति पाठक, देवसर विधायक सुभाष वर्मा, कलेक्टर राजीव रंजन मीणा और पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह भी उपस्थित हुए। जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान सांसद और विधायक सहित सभी टीकाकरण कक्ष में पहुंचे और वहां मौजूद राजू सफाईकर्मी से बात की, जिसे सबसे पहला टीका लगाए जाने वाला था। टीकाकरण को लेकर डॉक्टरों ने बताया कि यह टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और इस टीके की पहली डोज के बाद 28 दिन के बाद दूसरा टीका लगेगा और सामान्य सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, जिससे शरीर में कोविड-19 के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। आपको जिले में पहला टीका लगा है वैक्सीनेशन का, कोविड-19 का, आपको कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है। कहीं कोई घबराहट, कहीं कुछ? कुछ नहीं सर, हमको वैक्सीन लगनी है, हमको पता बोला गया है कि ध्यान जो है सैनिटाइज करना है और दूसरे से दूरी रखना, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी का हमने एक भयावह रूप देखा है और उसको नियंत्रण करने के लिए कोविड की जो वैक्सीन है वो आ चुकी है और उसका आगाज शुभारंभ आज 16 तारीख को शुरू हो रहा है और वो 16 तारीख को शुरू हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा यहाँ पर पूरे प्रदेश के लिए उद्घाटन किया जाएगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।